दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले सब्सक्राइब करें टेक स्टार्जी के YouTube चैनल को और नोटिफिकेशन बेल पर भी क्लिक करें ताकि हमारे हर लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे। तो दोस्तों, कैसे आप सब लोग, मेरा नाम है विशु। मैं आपका स्वागत करता हूं अपने चैनल टेक स्टार्जी पर। हेलो और नमस्कार दोस्तों, तो कैसे आप सभी लोग, मेरा नाम है विशु और आप देख रहे हैं हमारा चैनल टेक स्टार्जी। दोस्तों, आज की खबर बहुत ही ज़्यादा बड़ी आपके और आपके लिए बहुत ही खास होने वाली है। फाइनली रॉकस्टार गेम्स ने बता दिया है कि अपना GTA 4 का गेम रिलीज करने वाली है, क्योंकि 10th एनिवर्सरी पूरी होने वाली है। तो देखते रहिए मेरी वीडियो एंड तक, मैं सभी डिटेल्स बताते जाऊँगा, क्या रिक्वायरमेंट्स चाहिए इसके GTA 4 के लिए, वह कब लॉन्च होगी, क्या पॉसिबिलिटीज हैं GTA 4 की रिलीज डेट होने के बाद, सच्चा ये नहीं, ये भी मैं आपको बताऊँगा। तो देखिए मेरी वीडियो को एंड तक, ये इतनी बड़ी खबर मैं लेकर आऊँ आपके लिए। तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना तो बनता है और वीडियो को लाइक भी कर दें। दोस्तों, जो थंबनेल था उसकी वजह से मेरी वीडियो को डिसलाइक मत करना, ताकि मैंने इसलिए वे थंबनेल बनाया था ताकि अट्रैक्ट हो सके आप और जान सके GTA 4 रिलीज कब होने वाली है। तो दोस्तों, बिना देरी से हम अपनी वीडियो शुरू कर देते हैं। दोस्तों, पहली तो बात ये है, GTA 4 रिलीज होगी अप्रैल के एंड में, क्योंकि GTA 4 PC और PlayStation 4 के लिए अप्रैल में ही रिलीज हुई थी, अप्रैल में ही। तो ये पॉसिबिलिटी पहली ही बन जाती है कि GTA 4 अप्रैल के एंड में ही रिलीज हो जाएगी एंड्रॉयड के लिए। तो दूसरी बात, रॉकस्टार गेम्स ने ट्विटर पर पोस्ट किया था अपना कि GTA 4 हम लेकर आ रहे हैं 2018 के अपडेट में आपके लिए। ये बहुत बड़ी खुशखबरी है, मैंने उसके पिक आपको दिखा रहा हूँ। 5 सेकेंड तक काउंट कीजिए, 5 4 3 2 1 गो। दोस्तों, ये पिक आ गई, आप देख सकते, रॉकस्टार गेम्स ने लिखा हुआ है कि आपके लिए एक अच्छी खबर है कि हम GTA 4 आपका एंड्रॉयड में लेकर आ रहे हैं, हमारी 10th एनिवर्सरी कंप्लीट हो चुकी है। तो दोस्तों, दूसरी पॉसिबिलिटी ये बन जाती है। अब तीसरी पॉसिबिलिटी की बात करते हैं कि 10th एनिवर्सरी के बाद हर रॉकस्टार गेम्स वाले हर GTA रिलीज कर देते हैं, पर सीक्रेटली रिलीज कर देते हैं। जैसे 2016 में उन्होंने बुली गेम रिलीज की थी सरप्राइजली, पर किसी को पता नहीं चला था, अब हफ्ते के बाद में ही उनको पता लग गया। तो दोस्तों, वे GTA 4 भी ऐसे सीक्रेटली रिलीज करेंगे अप्रैल के एंड में, पता भी नहीं चलेगा। तीसरी पॉसिबिलिटी ये ख़त्म हो गई। तो चौथी पॉसिबिलिटी की बात करते हैं, मैं आपको पिक दिखाता हूँ जिसमें कब एंड्रॉयड के लिए रिलीज हुई थी GTA गेम और कब PC के लिए। ये आपके सामने पिक निकाल देता हूँ, 5 सेकंड तक फिर से काउंट कीजिए, 5 4 3 2 1 पी। दोस्तों, ये आपके सामने पिक आ चुके हैं। सबसे पहले हमारी GTA 3 की बात करते हैं। GTA 3 PC और PlayStation 4 के लिए 2001 में लॉन्च हुआ था, 10 साल के एनिवर्सरी के बाद वह 2011 में एंड्रॉयड के लिए भी लॉन्च हो चुका था। अब सेकंड है गेम जिसके जो है GTA Vice City। दोस्तों, ये PC और PlayStation के लिए 2002 में लॉन्च हुआ था, 10th एनिवर्सरी के बाद ये एंड्रॉयड के लिए 2012 में भी लॉन्च हो गया था। थर्ड गेम का नाम है GTA San Andreas। दोस्तों, GTA San Andreas 2004 में लॉन्च हुआ था PlayStation और PC के लिए। तो ये 10th एनिवर्सरी पूरी करने के बाद एंड्रॉयड के लिए 2014 में भी लॉन्च हो चुका था। और फोर्थ है हमारी फेवरेट GTA 4 के बारे में, जो आने वाली है। GTA 4 जैसे कि 2008 में लॉन्च हुई थी PC और PlayStation 4 के लिए, वैसे ही वे एंड्रॉयड के लिए लॉन्च हो जाएगी 2018 में। ये होगी फोर्थ पॉसिबिलिटी। अगर दोस्तों आपको हमारी वीडियो पसंद आ रही है, जल्दी से लाइक कर दें और वीडियो को शेयर कर दें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। जब वे रिलीज होगी ये गेम, आपको हम नोटिफिकेशन भेज देंगे और आप डाउनलोड कर सकते हैं। दोस्तों, वैसे बता रहा हूँ कि GTA 4 बहुत ही अच्छी गेम है, आप खेलने पर मजबूर हो जाओगे। अगर दोस्तों ये गेम रिलीज होगी तो हमारे फैंस बहुत ही ज़्यादा खुश होंगे, ये फैंस के लिए बहुत बड़ी खबर बन जाएगी। तो सभी गेम्स को खेलने के लिए सभी उत्सुक हैं, जल्दी से रॉकस्टार गेम्स अपना गेम लॉन्च कर दे, बस डाउनलोड जल्दी से हो जाएगी। तो अप्रैल के एंड में पक्का ये गेम आ सकती है, इसके 100% चांसेस हैं। तो दोस्तों, टेक स्टार्जी इंस्टाग्राम, ट्विटर और फेसबुक पर भी है, मैंने आपको एक पिक दिखा रहा हूँ जिसमें मेरे यूजर नेम लिखे हुए हैं, आप जाकर मुझे फॉलो कर सकते हैं। मैं क्या करता हूँ, जो भी वीडियो बनाता हूँ उसके पहले ही टाइटल और डाल देता हूँ किसके बारे में वीडियो बनाने जा रहा हूँ, ताकि आप जान सकते किसके बारे में वीडियो बनाने जा रहा हूँ। तो जल्दी से जाइए, मुझे फॉलो कीजिए
और YouTube पर फॉलो करने के लिए मेरे चैनल के नीचे दिए हुए लाल बटन को प्रेस कर लीजिए, जिसका नाम है, जिसका लिखा होगा सब्सक्राइब। उस पर क्लिक करने से साथ में एक नोटिफिकेशन बेल आएगी, उस पर क्लिक कर दें, जिसके कारण हमारी कोई भी लेटेस्ट वीडियो की अपलोड हुई हुई वीडियो आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा जल्दी से जल्दी ही। तो दोस्तों देरी मत कीजिए, अभी ही सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिए, ताकि लोगों को भी पता चले कि GTA 4 आने वाली है। तो अब दोस्तों हम बात करते हैं कि GTA 4 को एंड्रॉयड में चलने के लिए कौन सी रिक्वायरमेंट्स चाहिए। पहली हम बात करते हैं रैम के बारे में, रैम लगभग होनी चाहिए 4 से 5 GB तक। फिर सेकेंड बात है स्पेस की, तो दोस्तों स्पेस होनी चाहिए लगभग 5 से 6 GB तक। और प्रोसेसर की बात करें तो स्नैपड्रैगन का लेटेस्ट प्रोसेसर होना चाहिए। और एंड्रॉयड वर्जन की बात करें तो या नोगर ओरियो में से कोई होना चाहिए, मार्शमेलो में से भी चल सकती है वैसे तो। तो दोस्तों ये रिक्वायरमेंट पक्के हैं, आप बिलीव कर लीजिए ना ही, और ये वीडियो फेक भी नहीं है दोस्तों, ये न्यूज़ बिल्कुल ही रियल है। अगर दोस्तों आपको हमारी वीडियो पसंद आए तो सब्सक्राइब कर लीजिए, हम आपके लिए ऐसी वीडियोस बनाते रहेंगे और लेकर आते रहेंगे। हमारी वीडियो को लाइक भी कर दें और शेयर भी कर दें। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों अगर वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करना मत भूलें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें, ऐसी वीडियो आपके लिए हमेशा लाता रहूँगा। अगर वीडियो बहुत ज़्यादा पसंद आई हो तो शेयर भी करना मत भूलें।